राजधानी लखनऊ के निजी हॉस्पिटल मरीजों को जिंदगी देने की जगह मौत बांट रहे हैं। मंगलवार को यहां के सुर्खियों में रहने वाले केके हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद बुधवार को चरक हॉस्पिटल में भी लखनऊ के पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई। दोनों ही घटनाओं में निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और खानापूर्ति कर चलती बनी, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जिस परिवार ने अपनों को खोया उसकी भरपाई कौन करेगा। मूल रूप से जनपद कानपुर के रहने वाले अभिषेक सिंह 2011 बैच के सिपाही थे और लखनऊ पुलिस लाइन में उनकी तैनाती थी। देर रात पुलिसकर्मी के पेट में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के निजी हॉस्पिटल चरक में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी अभिषेक का समय पर इलाज नहीं किया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही हॉस्पिटल में नौसिखिया डॉक्टरों द्वारा मृतक का इलाज करने का आरोप लगा है। पुलिसकर्मी की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। मामला पुलिसकर्मी की मौत से जुड़ा हुआ था, इसलिए जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर नाराज परिजनों को किसी तरह शांत कराया। पुलिस अधिकारी दुर्गा प्रसाद तिवारी के मुताबिक परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चरक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से पुलिसकर्मी की मौत का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही के चलते यहां भर्ती कई मरीजों की जान जा चुकी है। खबर यह भी है कि हॉस्पिटल का संचालक खुद को नेता और एक मंत्री का करीबी बताता है। यही वजह है कि हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा दो दिन पहले ही लखनऊ के चर्चित केके हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी की मौत हो गई थी। इस मामले में भी मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो आरोपी डॉक्टरों या फिर हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई महज खानापूर्ति तक ही सीमित रह जाती है। हमारे एक आरक्षी अभिषेक सिंह बीमार थे, कल चरक हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। घर वालों का आरोप है कि लापरवाही दर्शाई गई है डॉक्टरों के द्वारा, उस पर उनकी मृत्यु हुई है, तो उनसे तहरीर मिली हुई है, तो हम लोग जांच करवा रहे हैं और इनका पीएम करवाया जाएगा, जो भी होगा उसके आधार पर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए विनय मिश्रा की रिपोर्ट।